से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू जग से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आज प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 21 से 24 तक मनन चिंतन करेंगे। इसे पिछले दो क्लास में अध्याय 18 से हम लोगों ने मनन चिंतन किया, स्वर्गदूत ने किस प्रकार बाबुल का सर्वनाश का घोषणा किया और बाबुल के विनाश को देखकर राजाओं ने, व्यापारियों ने और जो समुद्र में व्यापार करने वाले जलयात्री हो या कप्तान है, उनका विलाप को जो घड़ी भर में सब कुछ समाप्त हुआ, धन दौलत ऐश्वर्य ये अहंकार सब के सब ये घड़ी भर में समाप्त होता हुआ, और साथ ही साथ जो कलीसिया जो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है उनको स्वर्ग से वाणी आया आप आनंद मनाओ क्योंकि आप ईमानदारी के साथ प्रभु से जुड़ा हुआ है। अब वाक्य 21 से 24 तक के वचन हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं, किस प्रकार बाबुल का सत्यनाश हुआ, सर्वनाश हुआ, नष्ट हुआ। वाक्य 21 से पढ़ लेते हैं। तब एक बलवान स्वर्गदूत ने चक्की के बड़े पाट जैसा एक पत्थर उठाया और यह कहते हुए समुद्र में फेंका, महानगर बाबुल इसी वेग से गिरा दिया जाएगा और उसका फिर कभी पता नहीं चलेगा। अब यहां पर हम लोग देखते हैं सात स्वर्गदूत में एक बलवान, एक शक्तिशाली स्वर्गदूत एक चक्की के पाट जैसे एक पत्थर को उठाया, उसको समुद्र में फेंक दिया करके। जिस प्रकार समुद्र में फेंकने वाला वो पत्थर बाद में दिखाई नहीं देगा, उसी प्रकार एक पत्थर किस प्रकार जल के अंदर समाप्त हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, उसी प्रकार पानी में लुप्त होने वाला उस पत्थर के समान महानगर बाबुल घड़ी भर में लुप्त होता हुआ, नष्ट होता हुआ यहां पर घोषणा करते हैं। अब ये शक्तिशाली स्वर्गदूत को यहां पर लेके आने का एक और वाक्य पढ़ने के बाद वीणा वादकों और संगीतकारों की मुरली और तुरही बजाने वालों की आवाज तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। किसी भी व्यवसाय के कारीगर तुझ में फिर कभी नहीं मिलेगी। चक्की की आवाज तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। दीपक का प्रकाश तुझ में फिर कभी दिखाई नहीं देगा। वर और वधु का स्वर तुझ में फिर कभी नहीं सुनाई पड़ेगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के अधिपति थे और तूने अपने जादू द्वारा सभी राष्ट्रों को बहकाया था। बाबुल में नबियों, संतों और उन सब लोगों का रक्त पाया गया जिनका पृथ्वी पर वध किया गया है। इस प्रकार बोल करके चक्की का पाट डालने वाला एक बलवान स्वर्गदूत के विषय में हम लोग आज के क्लास में मनन चिंतन करते हैं। और साथ ही साथ यदि हम लोग यिर्मयाह का एक भविष्यवाणी है बाबुल के विनाश के विषय में, वहां पर भी यही कार्य यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 51
वर्स 63 एंड 64 में हम लोग पाते हैं यिर्मयाह भी ऐसे एक चिन्ह दिखा करके महाबाबुल का जो सर्वनाश होने के विषय में बताया था। और उसी प्रकार हम लोग अध्याय 5 प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 2 में मोहर लगी पुस्तक लेकर के आने वाले एक दूध को और उसी प्रकार खुली पुस्तक लिया हुआ एक दूध को अध्याय 10 वाक्य 1 में दो बार हम लोग इस प्रकार एक शक्ति भरा हुआ बलवान स्वर्गदूत को हमने देखा और जिस प्रकार उन दूतों लोग आए थे उसी प्रकार यहां पर उन पुस्तकों में लिखी हुई बातें पूरा हुआ ये बताने के लिए इस बलवान स्वर्गदूत को यहां लेके आया। इससे पहले अध्याय 5 वाक्य 2 में और 10 वाक्य 1 में जो मोहर लगे पुस्तक को लेके आने वाला अध्याय 5 में अध्याय 10 में खुली हुई पुस्तक लेकर के खाओ बोल करके योहन को देने वाला है ना, ये सब हम लोग मनोचिंतन कर चुका है। उसी प्रकार वो दूध लोग जो उन पुस्तकों में लिखी हुई बातें जो दंड जो लोगों को जो मोहर लगे हुए पशु के मोहर लगे हुए लोगों पर विपत्तियां जो आना है वो अब हो गया आ गया ये बताने के लिए यहां पर इस स्वर्गदूत के विषय में भी बताया। और नबी सिहा का ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 8 और 9 यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 34 यिर्मयाह चैप्टर 7:34 और चैप्टर 16 वर्स 9 यहेज़कियेल का ग्रंथ अध्याय 26 वाक्य 13 जिस प्रकार वाक्य 22 में हम लोगों ने पढ़ा है वीणा वादक संगीतकार मुरली तुरही इसका आवाज नहीं सुनाई देगा चक्की का आवाज नहीं होगा दीपक का प्रकाश नहीं होगा इसकी ओर यहां पर जो लिखा हुआ उस समय पर जो विनाश का जो दंड का समय है इस प्रकार मौन रहने का निशब्द रहने का विषय में अंधकार के विषय में वहां पर वर्णन किया है। और क्या कारण है ये विपत्ति आने का उसको हम लोग अगर 3 पॉइंटों में अगर उसको देखें सबसे पहला जो भोग विलास का जीवन वासना का जीवन या व्यभिचार चाहे मूर्ति पूजा हो या धन के कारण जो वासना का अयाशी का जो जीवन और अपने को जो घमंड में हम तो मुक्ति प्राप्त किया हम तो सब है हम सही है ये बोल करके अन्य लोगों को जो भटकाने वाले इस प्रकार के लोग जो अन्य लोगों को भटका रहा है अपनी ओर खींच करके लेकर के जा रहा है ये पहला कारण भोग विलास का जिंदगी जी करके लोगों को भी इस प्रकार का सुगलोलुपापक का जीवन जीने के लिए जो चाहे तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब लोगों को सिखा रहा है लोगों के बीच में इस प्रकार का जीवन लाने वाला ये जो सब। इसके बाद कलीसिया के ऊपर जो अत्याचार रक्तपात जो हुआ था ये यहां पर नबियों संतों उन सब लोगों का रक्त बहाया है ये बोल करके इसको भी वर्णन किया है। इसका मतलब जो रक्तपात किया जो कलीसिया के ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार कर रहा है क्रिस्तियों के ऊपर जो अत्याचार जो कर रहा है चल रहा है इसका कारण इस देश को उजाड़ पड़ना पड़ा। यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4:10 में जब काइन ने हाबिल की हत्या किया प्रभु ने पूछा ये भूमि धरती पर से मुझे पुकार रहा है उसका रक्त हाबिल का रक्त मुझे पुकार रहा है जो नबियों का शहीदों का जो क्रिस्तियों का रक्त तूने बहाया वो रक्त स्वर्ग को पुकारता है। नबी सिहा का ग्रंथ अध्याय 26 वाक्य 21 में यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 34 में सब हम लोग ये रक्तपाद वो रक्त निर्दोष रक्त स्वर्ग को पुकारता है इसलिए दंड सुनिश्चित है। ईसा मसीह ने स्वयं कहा मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य 35 के अंदर ऐसे लोगों को दंड सुनिश्चित है दंड जरूर मिलना है। तो
चाहे गलत व्यापार के द्वारा धन कमा करके धनी बनना, अय्याशी का जीवन जीना, गरीबों का शोषण करना, और हम सही है बोल करके अपने बुद्धि ज्ञान द्वारा सत्य कलीसिया से लोगों को भटकाना, और अपने भोग विलास की जिंदगी की ओर व्यभिचार वासना की ओर लोगों को आकर्षित कर उनका पाप का कारण बनाना, तंत्र मंत्र जादू टोना हो इस प्रकार का, या रक्तपात, निर्दोष रक्त, ये सब ये दंड का कारण है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। अध्याय 18 यहां पर खत्म हो रहा है। अध्याय 19 से हम लोगों को फिर से पढ़ने के लिए मिलेगा। मेमने के साथ जो एक्लेसिया कलीसिया है वो विजय का गीत गाता हुआ निर्णय करे, कलीसिया के साथ जुड़े रहने का निर्णय करे। मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया है उस कलीसिया में जुड़े रहेंगे, वो कलीसिया जो सिखाता है उसको समझेंगे, सीखेंगे, अर्थ समझेंगे, उस कलीसिया को सुनेंगे, उसके साथ जुड़े हुए जीवन जिएंगे। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।